हेलो गाइस, सो फार गाइस द टॉपिक इज फाइंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो फाइंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल में हम बेसिकली करते क्या है कि अगर हमारे पास एक शेड्यूल गिवन है, उस शेड्यूल का हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे पास दो शेड्यूल दिए गए होंगे और मुझे चेक करना होगा क्या वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो शेड्यूल लिया एस एस डैश। अब अगर आप इनको S और S डैश को देखो तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब कि दिखने में ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे रीड राइट है और रीड भी नीचे हो रहा है, रीड राइट है रीड भी पहले हो रहा है, उसके बाद और कुछ हो रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट दिखने में नहीं है। बट मुझे चेक करना है क्या ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पेयर चेक करने हैं, कॉन्फ्लिक्ट पेयर है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट पेयर और नॉन पेयर कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूँ रीड रीड, अगर दो लोग एक ही टाइम पे रीड कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होगा। रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट, ये तीन जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, रीड राइट, राइट रीड और राइट रीड, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर एक और भी हो सकती है, अगर कोई बंदा रीड कर रहा है ए पे या बी पे और राइट कर रहा है किसी और वेरिएबल पे, मतलब कि अगर दोनों जगह पे मेरे पास वेरिएबल्स दीज वैल्यूज आर डिफरेंट, यहाँ पे ए पे काम हो रहा है, यहाँ पे बी पे, यहाँ बी पे यहाँ आते, यहाँ बी पे यहाँ आए पे, तो ये भी जाते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। बिकॉज मैं अगर ए वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, कोई और बंदा आके बी वैल्यू पे काम कर रहे है एक ही टाइम पे, तो वो तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इन मेथड को, इन पेयर्स को यूज करना है यहाँ पे, और हमें चेक करना है यहाँ पे क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एस शेड्यूल से, करना क्या हमें एस शेड्यूल और एस डैश को देखो, रीड ए राइट ए एज इट इज, जहाँ पे उनकी पोजिशन है वहीं पे है, रीड ए राइट ए की पोजीशन यही पे, लेकिन इस रीड बी की जो पोजीशन है वो यहाँ हो गई है, मतलब कि चेंज हो गया, मतलब कि रीड राइट ए की पोजीशन चेंज है, रीड बी की पोजीशन चेंज है। तो इसके लिए मेथड क्या है, हमें नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को चेक करना है, एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को चेक करो, एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर, एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को चेक करो, और अगर नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो अगर वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो हम उनकी पोजीशन को स्वैप कर देंगे। जैसे कि हम इधर देखें कि रीड बी और राइट ए एडजेसेंट, मतलब क्या है राइट ए के जस्ट बाद क्या आ रहा है रीड बी, या रीड ए के क्या आ रहा है रीड ए के बाद क्या आ रहा है राइट ए, तो आपस में क्या एडजेसेंट है, तो राइट ए रीड ए देखो तो रीड बी राइट ए, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है ट्रू, तो इसकी पोजिशन को स्वैप कर दो, मतलब के इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, मतलब इसको इसकी सीध में यहाँ पे लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे। कैसे, अगर मैं इसको आपको लिख के आपको दिखाऊं कि मैं एक आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊं, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक मेरे पास T1 और T2, जब हमने इसकी पोजीशन को स्वैप किया तो रीड ए राइट ए तो यहीं पर रहेगा, ये रीड ए यहीं पर रहेगा, लेकिन इस रीड बी की पोजिशन चेंज हो गई और राइट ए की पोजीशन भी चेंज होगी। सिंपली हमने क्या किया, इस रीड बी को ऊपर कर दिया और राइट ए को नीचे कर दिया। दिस विल नाउ द न्यू शेड्यूल विल बी लुक लाइक दिस। अभी रुकना नहीं, हमने फिर दोबारा चेक करेंगे, अभी हमने इसको चेक किया रीड बी और राइट ए, रीड बी और राइट ए आपस में क्या है नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, बिकॉज रीड रीड तो वैसे ही कंफ्लिक्ट होता है और यहाँ तो वैसे ही ए और बी पे काम चल रहा है, तो ये डेफिनेटली नॉन कंफ्लिक्ट पेयर होगा। तो अगर ये नॉन कंफ्लिक्ट पेयर है तो हम इसकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं, अगर ये कंफ्लिक्ट होता तो नहीं करनी, अगर ये नॉन कंफ्लिक्ट है तो पोजीशन को स्वैप कर दो, मतलब कि इसको ऊपर ले जाओ और रीड बी को और राइट ए को नीचे ले आओ, मतलब राइट ए को नीचे ले और रीड बी के ऊपर ले। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ तो मैं इसी जगह पर लिख देता हूँ रीड ए तो राइट ए तो एज इट इज रहेगा, रीड भी ऊपर चला गया, रीड ए मेरे पास नीचे आ गया और ये जो राइट ए था ये उसी जगह पे रुका हुआ। अब ये देखो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट लग रही है कि नहीं लग रही, यस बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट लग रहे तो हम इसको बोल सकते हैं एस एंड एस डैश आर
कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो ऐसे ही अगर हम इसको मतलब कि देखेंगे, इस शेड्यूल को अगर हम ऐसे ही लिख दें कि T1 T2 लेट से हमारे पास है T1 एंड T2 रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए रीड ऑफ ए लेट से यहां पे अगर मैं राइट ऑफ ए लिख देता हूं और रीड ऑफ बी लिख देता हूं, राइट ऑफ ए एंड रीड ऑफ बी लिख देता हूं, कुछ भी मैंने चेंज किया इसमें। अब अगर आपको चेक करना है कि इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या है, इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन एडजेसेंट पेयर, एडजेसेंट पेयर या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। एडजेसेंट मतलब दोनों मतलब इसमें खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट। तो ये वाला अगर मैं बात करूं राइट ए रीड ए, क्या ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट है, राइट ए और रीड ए ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। तो मतलब जहां पे कॉन्फ्लिक्ट बन जाए तो नो स्वैपिंग, नो चेंज इन पोजीशन, तो नो स्वैप या नो पोजीशन, बिकॉज यहां पे क्या बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो क्या पे पोजीशन को चेंज करना है जहां पे मेरे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर आए। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को देखते ही आप उसको क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, और ये मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, ये आप देख सकते हो, मतलब ऑपरेशन को स्वैप नहीं करना, उनकी पोजीशन को स्वैप करना, फाइनली आपके पास ऐसा शेड्यूल बन जाएगा जो एक सीरियल होगा। तो अगर किसी भी शेड्यूल का, तो किसी भी शेड्यूल का अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, हमेशा सीरियल होगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो कि अगर कोई भी शेड्यूल है एस और उसका अगर एस डैश, मतलब कि कोई भी शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एस डैश एग्जिस्ट करता है तो एस डैश क्या होगा, सीरियलाइजेबल होगा। तो एस डैश क्या होगा, सीरियल शेड्यूल ही होगा। तो लेकिन अगर हम इसको ऐसे चेक नहीं करेंगे, हमारे पास अदर मेथड भी है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं कि टू शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और नॉट। सो थैंक यू।